हिलोए, और अब तो एक लंबी पूरे, मैं तो एक वैसे किस किस का नाम लो नहीं तो फिर एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। माने सरकार से लेकर के समाज के संभ्रांत लोग, क्योंकि जब मैं जाता हूं किसी बड़े फंक्शन में, कभी फ्लाइट में, एक्टर एक्टर्स फ्लाइट में मैक्सिमम एक पूरी चेन बनी हुई है उनकी, जितने भी एयर होस्टेस हैं 99% एलोवेरा जूस पीती हैं, आंवला जूस पीती हैं, एलोवेरा जेल लगाती हैं, पतंजलि की ही ब्यूटी क्रीम और एंटी रिंकल क्रीम लगाती हैं। मैं ये बताई भी बात बता रहा हूं आपको, मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? बोले जी मेरी सहेली ने बताया। फिर मैंने कहा उसको किसने बताया? बोले उसने भी उसकी सहेली ने बताया। ये चैन फैल रही है, कोई विज्ञापन नहीं, और टनों की मात्रा में अभी भी ब्यूटी क्रीम जा रही है, टनों की मात्रा में एंटी रिंकल क्रीम जा रही है, कोई विज्ञापन नहीं बिना एडवर्टाइजमेंट के, ये क्या हो रहा है? ऐसा ऐसे ही मोटापा के लिए और इससे मधुमेह के लिए यूज कर रहे हैं लोग गिलोय को, और हमने देखा परिणाम, मोटापा कम हो रहा है, डायबिटीज लोग नॉन डायबिटिक हो रहे हैं, डायबिटीज नेचुरल उसमें कंट्रोल आ रही है। मधुनाशी तो थी, मधुनाशी के साथ लोगों ने गिलोय घनवटी और नीम घनवटी इनका इस्तेमाल किया और मैक्सिमम लोगों की दवाइयां बंद हो गई। ये है चमत्कार, गिलोय घनवटी पहली बार हमने बनाई, मोटापा मधुमेह, और इससे लोगों की रेजिस्टेंस बढ़ रही है, इम्यून सिस्टम लोगों का इतना इंप्रूव हो रहा है। हर तीसरे मैंने बुखार, हर सर्दी जुकाम, और ये अद्भुत, ये तो कमाल हो गया। अब बताओ इसका विज्ञापन कौन कर रहा है? लोग खा रहे बता रहे, अजी मैं तो 2 साल से गिलोय घनवटी खा, ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे परिवारों में, हर दूसरे तीसरे मैंने बुखार, हर दूसरे तीसरे मैंने सर्दी जुकाम गला खराब, गिलोय खाई बीमारी भगाई। आप सब लोग भी एक एक गोली खा लिया करो, बीमार नहीं पड़ोगे, ज्यादा काम करोगे, गिलोय खाया करो, एक या दो गोली सुबह उठते खा लो, क्या है, एकदम फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। गिलोय घनवट पहली बार बनाई हमने, और आयुर्वेद में काजल पहली बार बनाई, वो वाली काजल जो आजकल कितना बढ़िया पैकिंग है, अभी मैं सुबह तो देख रहा था, ओहो, और 900 रुपए की बाजार में है, ये तो कंपेरेटिव लिस्ट में डाला है वही नहीं अभी, क्योंकि कई साल से शोध चल रहा था, 4-5 सालों से शोध चल रहा था इसके ऊपर। पहले सुरमा बनाया, फिर सुरमा की है वो काजल, ओहो हो, काजल तो पेंसिल के रूप में, ये पेंसिल वाली काजल, ये तो काजल तो बहुत उससे बना रहे थे सदी। और इसमें मैंने पूछा जी ये 900 रुपए की वैसे इसमें विशेषता क्या है? बोले जी जो काजल ज्यादा टिके ना उसको अच्छा मानते हैं, जो हल्की क्वालिटी होती है तो 2-2, 3-3 बार लगानी पड़ती है, जो 900 रुपए वाली नहीं कर रही वो ये काम 90 रुपए वाली कर रही है, और ठंडक और आंख, ये कई बहने मिली, बोली जी हमारी आंखें लाल रहा करती थी जब से पतंजलि की काजल लगाई, हमारी तो बीमारी ठीक हो रही, हमने तो उसके लिए लगाई थी सौंदर्य के लिए, सौंदर्य के साथ साथ हमारी आंखें स्वस्थ भी हो गई। ये हो रहा है। अब ये बताओ आंवले का अचार, आंवले की चटनी लोग खाते थे, मुरब्बा खाते थे, आंवले का अचार बाजार में नहीं था, बाजार में आंवला का अचार, ये तो ये पतंजलि का ही की देन है, मतलब ही नहीं था। और आयुर्वेद में तो ये ऐसा किसी ने सोचा नहीं, कोई विदेशी कंपनियों को छोड़ करके टमाटो केचप देसी को तो कोई उतारने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। सब जगह देखो, जिस भी टेबल पर जाओ किसान, हम बस बहुत वर्षों से देखते हैं, कितने साल हो गए इस ब्रांड को, 25-30 साल का पुराना ब्रांड है, हम स्वदेशी की बात कर रहे, हम भी किसी घर में जाए बोले बाबा जी देखो ये किसान वाली चटनी खाओ, इसे तो किसान समृद्ध बनेगी। मैंने कहा इसके ऊपर कंपनी का नाम पढ़ ले, किसान समृद्ध नहीं बनेगा, यूनिलीवर समृद्ध बनेगी उसका। ये तो माने आयुर्वेद के क्षेत्र में टमाटो केचप ये पहली बार लेकर के आए, वो तो दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ और नई चीजें, जैसे कोई भी स्वदेशी कंपनी ने
मशीन वाला वॉशिंग पाउडर जो बहुत महंगा होता है, उतारने की हिम्मत ही नहीं की। कितने का देती है विदेशी कंपनियां? जो बहुत बहुत महंगा ब्रांड है वो तो कितने का आता है? 330। बताओ सर्फ एक्सेल का, अब 330 रुपए का, अब उसके मुकाबले कोई उतारने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था देसी वाला। हमने पहली बार हिम्मत की और उनसे काफी सस्ता। अभी तक तो लोग हमारा ये जो प्रीमियम के अलावा दूसरा ब्रांड है ना, पॉपुलर के अलावा क्या है, सुपीरियर, वो कितने का है? 69 वाला ही यूज कर रहे थे अभी तक तो अपनी वॉशिंग मशीन के लिए। हमारा 69 वाला ही मुकाबला कर रहा था 330 वाले का, तो अब 185 रुपए का एकदम उनका उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर ब्रांड उतारा है उनको। पहले क्या होता था मुझे याद है, जब हमने संन्यास नहीं लिया था सफेद कपड़े, तो बोले जी क्या करे जी, ये जो निर्मा है ना इससे कपड़े साफ नहीं होते, रिन चाहिए। मैंने कहा विदेशी है, तो हमारा आपस में एक तरह से विवाद हो जाता था इस बात को लेकर के, झगड़ा तो ऐसे कोई मारपीट नहीं होती थी, लेकिन हम कहते थे भाई नहीं, हम कहते थे कि भाई रिन नहीं चाहिए, रिन विदेशी साबुन है। तो बोले रिन जैसी क्वालिटी तो कोई नहीं। तो हमने जितना भी विदेशी कंपनियों के नाम से कहा जाता था ना कि उन जैसी क्वालिटी नहीं है हिंदुस्तान के ब्रांड में, विदेशी कंपनियों से ज्यादा ऊंची क्वालिटी की, उनसे ज्यादा अच्छी पैकेजिंग और उनसे कम से कम दाम, किफायती दाम, वो काम पतंजलि ने करके दिखाया जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इतना बड़ा आपने पहली बार। अब मल्टीग्रेन्स का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान में मल्टीग्रेन आटा बिकेगा, मल्टीग्रेन ब्रेड और मल्टीग्रेन बिस्किट। ये विदेशों में तो था, विदेशों में तो मल्टीग्रेन बिस्किट आते थे, मल्टीग्रेन ब्रेड भी आने लग गए थे। अब यहां अभी शुरू हुआ, माने हिंदुस्तान में जैसे कहते हैं ना कोई नई परंपरा शुरू करना, हिंदुस्तान में मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन बिस्किट, और अब एक और चीज जोड़ दें, 0% ट्रांस फैट और 0% मैदा, ये कॉन्सेप्ट पतंजलि लेकर के आया। हमने कहा कि हेल्दी चीजों को प्रमोट करना। कुछ लोग कहते बोले बाबा जी मैदा के बिना तो बिस्किट में स्वाद ही नहीं आता, मैदा के बिना तो बिस्किट बनता ही नहीं है, ये तर्क देते थे, मैदा के बिना तो बिस्किट बनेगा ही नहीं। अब वो सारे तर्क ध्वस्त हो गए। हम लोगों की जो स्ट्रेटेजी है उसको थोड़ा सा हमने तंत्र मजबूत करना पड़ेगा अपने, बस लोगों को उपलब्ध करा दो, हमें विज्ञापन की जरूरत नहीं है, हमें पहुंचने की जरूरत है। ये बेसिक फर्क है। हमारे ब्रांड पर लोगों का भरोसा है, हमारे नाम पर भरोसा है। देखो दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा। प्रचार एक काम करता है लेकिन भरोसा बहुत बड़ा काम करता है। विज्ञापन से शादियां होती हैं लेकिन 99% आज भी हिंदुस्तान में भरोसे से शादी होती है। तो विज्ञापन से गर्लफ्रेंड तो बन सकती है लेकिन शादी जो है ना वो भरोसे से होती है। तो ये सब गर्लफ्रेंड वाले हैं, हमारा तो अटूट बंधन है विश्वास का। दुनिया में सारी चीजें भरोसे पर चलती हैं, पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, भक्त भगवान का रिश्ता हो, देश के साथ में हमारा रिश्ता हो, जब सारी चीजें भरोसे पर टिकी हैं तो पतंजलि जितना बड़ा भरोसा इस देश में किसी ब्रांड पर नहीं है, किसी भी ब्रांड पर। पतंजलि ये सबसे बड़ा भरोसा, उसको पहुंचाओ लोगों तक। हम लोग ये सोचते हैं अखबार में कितना आ रहा है, टीवी पर कितना आ रहा है, अरे वो जितना आ रहा है बहुत है ना, खाली बस ये पता लगे कि ये भी ये है भाई, हम भी खड़े हैं तुम्हें जवाब देने के लिए, तुम्हारा मुकाबला करने के लिए हम खड़े हैं, हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, हिंदुस्तान जिंदा है हमारे साथ, स्वदेशी जिंदा है हमारे साथ, स्वदेशी का संकल्प जिंदा है हमारे साथ, सेवा का संकल्प जिंदा है हमारे साथ, शुद्धता और प्रामाणिकता का संकल्प जिंदा है हमारे साथ, सबकी सेवा और सबकी समृद्धि का, सबके स्वास्थ्य का संकल्प जिंदा है हमारे साथ। आप लेकर तो जाओ ना। अब बताओ ये बिस्किट वाला जो 0% ट्रांस फैट, 0% मैदा, ये कौन लेकर के आए? ये हम लेकर के आए। अब सब कर रहे हैं, करो ना, अच्छी बात है। अब जो का दलिया आपने सोचा होगा, इसके ऊपर कितना रिसर्च किया होगा, ऐसे थोड़ी हो गया।
पहले तो मैं अनाज लेता ही नहीं था, अभी थोड़ा बहुत शुरू किया। तो सबसे सात्विक अन्न जौ माना जाता है, लेकिन जौ की समस्या क्या है उसकी, एक तो आटे की जो रोटी है ना थोड़ी खुरदरी खुरदरी सी लगती है, लेकिन सबसे सात्विक है। आजकल तो लोगों को एसिडिटी की बीमारी दबा करके है, गर्मी हो रखी है लोगों को, धातु की बीमारियां लोगों को, एसिडिटी की बीमारी, गर्मी की बीमारी, बाल उड़ गए गर्मी में, बीपी बढ़ गया, सब परेशान। फिर क्या विदेश में तो क्या कर रहे हैं, बोले भाई जो का बियर पी लो। अब हम बियर तो नहीं पिलाएंगे, अब हम जो का आटा खिलाएंगे, जो का दलिया खिलाएंगे। जो का दलिया तो देना शुरू कर दिया है हिंदुस्तान में पहली बार, ये तो थोड़ा मोड़ा प्रयोग होता था राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में, वहां जो की घाट की राबड़ी बना के खाते थे लोग, इतनी ठंडी होती है। और अब जो का दलिया खाओ ना, घी डालने की जरूरत ही नहीं उसमें, स्वाद इतना मीठा और पौष्टिक इतना, जब खा लेगा तो हड्डियां भी मजबूत, आदमी इतना मजबूत 100 साल तक एकदम डटा रहेगा। लोगों को देखते हैं ना ऐसे गिरे, मेरे ब्लड प्रेशर शुगर होश उड़े हुए, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बोले जिएगा कैसे। अब जो योग करते हैं और पतंजलि के उत्पादों का प्रयोग करते हैं, लोग कहते हैं मरेगा कैसे ये रखा 4-10 लाख अपने मस्त है। अभी पैकिंग में गुड़ नहीं मिलता था, पहली बार पतंजलि अब बिना मसाले का और उसके अंदर सौंफ, इलायची और जो भी मतलब मूंगफली आदि डाल करके बढ़िया गुड़ भी उपलब्ध करवा रहा है। इतना तो उपलब्ध हो ही जाएगा कि तुम तो खा ही लोगे। अब बढ़िया चीज अपने कार्यकर्ताओं को भी तो मिलनी चाहिए। अपने अपने कार्यकर्ता, अपना परिवार इतना बड़ा, कुछ चीजें तो अपने पतंजलि परिवार, जो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर एक ये चीज होती है, कुछ चीजें हम सारे देश को उपलब्ध नहीं करा सकते। तो अपने अपने कार्यकर्ताओं को तो अच्छी चीज मिले। देसी गुड़ को खोज खोज के लोग, कोई 25 किलोमीटर से मंगा रहा है, कोई 50 किलोमीटर से मंगा रहा है। अब जो है राजस्थान के लोग चले गए कलकत्ता, वहां क्या मंगा रहे हैं, राजस्थान से कैर सांगरी मंगवा रहे, टीट मंगा रहे, कैर सांगरी वो मंगवा रहे, और फिर वो कचरी कचरी सुखा के मंगवा रहे हैं। फिर जी अब चले गए पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मुंबई और कहीं चेन्नई और कहां गुड़ मंगा रहे हैं, कहां से हवाई जहाज से गुड़ जा रहा है जी, गांव में जी बिना मसाले का जी वहां से गुड़ लेके आए, कोई 5 किलो 10 किलो उठाए जा रहा है। लोगों को देसी गुड़ नहीं मिलता था जिसमें ये केमिकल ना हो। ये एक होती है सुकलाई, अपने यहाँ कोल्हू चलता है यहीं आगे खेत में, तो मेरे से बोले बाबा जी सुकलाई सफाई बहुत अच्छी करती। मैंने कहा किस किस की, बोले गुड़ की भी करे और पेट की भी करे। मैंने कहा पेट की कैसे करती, बोले पी के देखो। बोले बाबा जी आधा गिलास से ज्यादा मत पीना। मैं एक गिलास ठोक गया, ओ शाम तक देखा एकदम साफ मैदान, एक ऐसी सफाई करती है और कोई मरोड़ा फरोड़ा नहीं। उसमें पानी में डालो ना तो ऐसी चिकनाई, ऐसी एक जैसा पानी, ऐसे पूरा ऐसे ऊपर नीचे, पूरा ही पानी ऊपर नीचे हो जाता है, इतना उसको बांध देती है और फिर सफाई ऐसे करती है। हमने वो पूरा ऐसे खेत में ना पूरी भिंडी जैसी होती है, वो भिंडी नहीं होती है, वो भिंडी जैसी होती है, सुकलाई कहते हैं। तो उससे हमने प्रयोग किया और इस बार अब इस महीने के अंत में, मैंने दिसंबर के अंत में और जनवरी में देश के लोगों का बिना मसाले का गुड़ भी मिल जाएगा। माने पूरी ओपन मार्केट में तो नहीं मिलेगा ये कम से कम पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर तो मिल ही जाएगा। फिर आगे सोचेंगे, चीनी का विकल्प देना चाहिए। चीनी व्हाइट पॉइजन है, मैदा व्हाइट पॉइजन है। अब है तो ये तीन व्हाइट पॉइजन कहते हैं नेचुरोपैथ में, चीनी, मैदा और नमक। अब नमक में तो बड़ गड़बड़ है, देखो ये सबको ना सेंधा नमक उपलब्ध नहीं हो सकता, उतनी मात्रा भी नहीं है, इसलिए भाई ये थोड़ा थोड़ा जहर तो खा लो, कोई बात नहीं, नमक खाना चाहिए। मैंने कहा क्यों, बोलो नमक नहीं खाएंगे तो आदमी जहरीला हो जाएगा ये बात वैसे सच है, जो लोग बिल्कुल नमक का सेवन नहीं करते ना, उनको बिच्छू भी काट जाए तो बिच्छू मर जाता है, सामान्य सांप भी काट जाए तो सांप मर जाता है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि आप दो एक दो महीना नमक खाना छोड़ दो और सांप से कटवाओ ये लंबे समय तक ऐसा जो है कोई प्रयोग करता है ना तो उसमें ऐसा मतलब अलग तरह की शक्ति आ जाती। खैर वो तो नहीं, तो इसका जो है जो का दलिया गुड़,
अब शक्कर, वो शक्कर कितनी महंगी बेच रहे थे, विदेशों में तो बिकती ही है वो जैकरी पाउडर, नेचुरल शुगर करके बोलते बेचते हैं। हमने यहाँ मधुरम करके वो ब्रांड जो है दिया, अभी मधुरम नेचुरल शुगर, वो इतनी डिमांड आ गई उसकी। अब दिल्ली के बड़े बड़े जो मॉल हैं उनमें 200 रुपए किलो तक वो बिक रही है, 200 रुपए किलो, बताओ 150 से 200 रुपए मधुरम बिक रही है, और अपने कितनी रेट में बिकती है, 60, बताओ 60 रुपए नेचुरल शुगर। कॉन्सेप्ट ही नहीं था लोग कि चीनी से भी कोई दूसरी चीज हो सकती है, शक्कर और गुड़ तो वो उसमें नहीं डाल सकते थे दूध में और चाय में। अब लोग इसकी चाय कहते इतनी स्वादिष्ट लगती है, बोले तो आनंद आ जाता है, ऊर्जा मिलती है, उसे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बस अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि हमको स्वदेशी का पहले नाम ही सुना था लोगों ने, लोगों ने उसको वैचारिक धरातल पर रखा था, इसको जमीन पर उतारने का सपना ही रह गया था हमारे शहीदों का, भी एक ख्वाब रह गया था, क्योंकि उस दिशा में काम नहीं कर पाए, लड़ाई करें कि वो स्वदेशी के इस काम को आगे बढ़ाएं। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का काम आगे बढ़ाया तो सही, लेकिन वो खादी में ही सिमट करके रह गया, और खादी के नाम पर आज कितनी सब्सिडी और उसमें कितना जो है भ्रष्टाचार घोटाले होते हैं ये सारा देश जानता है। स्वदेशी को विदेशी कंपनियों के मुकाबले उनसे ज्यादा प्रामाणिकता के साथ खड़ा करके उनको टक्कर देने का काम यदि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है तो पतंजलि के माध्यम से हुआ है। और ये यात्रा का अभी प्रारंभ है, अभी ये अंत नहीं है, अभी तो गंतव्य हमारा बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है, और इस स्वदेशी के द्वारा सबकी सेवा, सबकी समृद्धि, सबका स्वास्थ्य और देश का स्वाभिमान जगा करके करोड़ों लोगों तक शुद्धता के साथ उत्पाद उपलब्ध करा करके और लाखों करोड़ों लोगों को स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता दे करके एक आत्मनिर्भर स्वावलंबी राष्ट्र बनाने का एक काम है, ये काम भगवान का काम है, आप लोग साधारण काम नहीं कर रहे हो, एक बहुत बड़ा काम है। और ये व्यापार नहीं है, व्यापार वो होता है जो अपने लिए किया जाता है, अपनों के लिए किया जाता है, अपने सुख सुविधाओं के लिए, ऐशो आराम के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, अपनों की समृद्धि के लिए किया जाता है, ये सबकी सेवा, सबकी समृद्धि के लिए, कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, सामूहिक समृद्धि के लिए, ग्रामीण समृद्धि के लिए, अंतिम व्यक्ति के जीवन में समृद्धि लाने के लिए, इसके कितने आयाम हैं। इस कार्य में स्वयं को नियोजित करके सौभाग्य का अनुभव करें कि हमें ये अवसर मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिंदगी को एक इतना बड़ा मकसद मिला है, और इस मकसद को हम पूरी प्रामाणिकता से, वापस उसी बात पर आता हूं, पूरे पुरुषार्थ से, और कहीं पर भी पुरुषार्थ में न्यूनता है तो पूरे पराक्रम से उस पुरुषार्थ को भी और बढ़ाना। यदि जन्म से हम पुरुषार्थी हैं तो हमारा व्यक्तित्व तो बड़ा होगा ही होगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। जन्म से पुरुषार्थ नहीं था हमारे, कुछ ऐसा प्रारब्ध रहा तो इस जन्म में पराक्रम करके पुरुषार्थ को अर्जित करो, और पुरुषार्थ से ही जीवन के सारे प्रयोजन हमारे सिद्ध होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप पूरे पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और स्वदेशी के क्षेत्र में और स्वदेशी के द्वारा राष्ट्र की सामूहिक समृद्धि और सबकी सेवा के क्षेत्र में वो काम करके दिखाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों, आने वाले जो भारत के भविष्य में लोग जो आएंगे वो आपको एक आदर्श के रूप में याद करेंगे कि स्वदेशी का जो सपना सैकड़ों वर्षों से साकार नहीं हुआ था, पतंजलि के कुछ चंद लोगों ने मिलकर के उस संकल्प को आसमान जैसी ऊंचाई, इस रूप में आपको एक इतिहास